एक नंबर। हाँ भाई एक साथ भाई एक ही आदमी बोल रहा है। रख से नाव दो लब से पानी पियो जग से। आगे आगे कोई मत जाना। चलो थैंक यू। थैंक यू हो गया हो गया। गर्मी चालू हो गई है यार। चलो भाई जोमेटो वाले के साथ छह सेल्फी। टी शर्ट वाले आगे आ जाओ। जोमेटो भाई एक सब जोमेटो वाले सेल्फी ले चलो। एक नंबर बेटा चलो बस बाय 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 चलो बस चलो अंदर चलो। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन और किसी के हक के लिए खड़ा होना और उसे उसकी बुलंदी तक पहुंचाना क्या कुछ कहना चाहते हैं उसके बारे में? कुछ नहीं यार, ये मैं बचपन से करता रहा, मुझे अच्छा लगता है। मेरा काम है ये कि अगर सोसाइटी ने कुछ दिया है तो सोसाइटी को कुछ वापस दो। अपने लिए तो सब लड़ते हैं, दूसरों के लिए लड़ने में मुझे मज़ा आता है। ये भी कहीं ना कहीं मैंने बॉलीवुड से ही सीखा है। वो पिक्चरें देख देख के हीरो दूसरों के हक के लिए रोड पे निकल जाता है, तो कहीं ना कहीं मैंने ये अंदर बिठा लिया था कि कभी ज़िंदगी में कुछ बने तो गरीबों के लिए लड़ते रहेंगे। हमने वो वक्त भी देखा जब आप जोमेटो के लिए स्टार्टिंग में फर्स्ट डे आप खड़े हुए थे, तो आपने उस टाइम सोचा था कि आप इनको मतलब सक्सेस दिला पाएंगे ऐसा कुछ? यार देखो, मेरा काम है आवाज़ उठाना और ऊपर वाले का काम है उनको जस्टिस देना। तो जोमेटो वाले जब मेरे पास बारिश में आए थे कि सर हमें रेनकोट नहीं मिल रहा है, हमें इंसेंटिव नहीं मिल रहा है, हमें ठीक से ट्रीट नहीं किया जा रहा है, तो मैंने एक वीडियो बनाया। इसमें मेरे फैंस का बहुत बड़ा हाथ है और मेरे भाइयों का, जो मुझसे इतना प्यार करते हैं कि मेरी हर चीज़ को इतना वायरल करते हैं कि मतलब वो कहाँ कहाँ पहुँचा देते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों का साथ मेरे साथ है हमेशा, और इस तरह से हक की लड़ाई में मैं अकेला नहीं हूँ, आप लोग भी मेरे साथ है और इस तरह से साथ मेरा देते रहिए। जोमेटो वालों को अपना हक मिल चुका है, उनका इंसेंटिव उसे मिल रहा है, उन्हें ठीक से ट्रीट किया जा रहा है, उन्हें बाइक का पेट्रोल दिया जा रहा है। फूड पांडा वाले भी मेरे पास आए, उनका भी काम हो चुका है। तो ऊपर वाला उसकी लाठी में आवाज़ है, मतलब जब लगती है तो ज़ोर से लगती है। सोजात, किस तरह ये बात आप तक पहुँची थी और क्या कुछ मतलब जिस तरह आपने ये काम किया है और भी लोगों की उम्मीद है आपसे, तो क्या कुछ और भी रिक्वेस्ट आ रही है आपके पास कि हमें ये प्रॉब्लम है ऐसा कुछ? रिक्वेस्ट तो बहुत सारी आ रही है यार। मेरे पास डांसर्स जो हमारे बॉलीवुड के जूनियर आर्टिस्ट डांसर है वो भी आए, जूनियर आर्टिस्ट आए, उनका भी मैंने वीडियो बनाया राम कदम के खिलाफ, वो वीडियो भी बहुत चला, उन लोग का भी बहुत फ़ायदा हुआ है। तो इस तरह से लोग आते रहते हैं। मैंने धीरू भाई अम्बानी हॉस्पिटल के बाहर भी अनशन पर बैठा था, कुछ हार्ट के पेशेंट के लिए, बच्चों के लिए, ताहिर और ध्रुव और ये सब के लिए, उन्हें भी इंसाफ मिला। तो अच्छा लगता है जब तुम्हारी चीज़ों को, और मैं कोई नेता नहीं हूँ ना मैं कोई, मैं एक एक्टर हूँ, पर ये काम ऐसा है कि हर इंसान को करना चाहिए अगर उसे वक्त मिले, मौका मिले तो। बॉलीवुड में और भी काफ़ी जो एक्टर हैं जो हमेशा लोगों को आगे बढ़कर उनका साथ देते हैं, सपोर्ट करते हैं, जैसे कि सलमान खान भी है, तो उसके बारे में कुछ बताएं, कुछ किसी से आप इंस्पायर हुए कभी या किसी की बहुत अच्छी क्वालिटी लगी आपको इस तरह की? नहीं, सभी सलमान भाई, शाहरुख भाई, आमिर भाई, सभी अपने अपने लेवल पे बहुत काम कर रहे हैं और करना भी चाहिए, सब कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हर आदमी एक दूसरे से इंस्पायर होता है। जैसे अभी केरला में सलमान भाई ने 12 करोड़ रुपए डोनेट किया, बहुत बड़ा कलेजा चाहिए उसके लिए। 12 रुपए कोई किसी को नहीं देता है, 12 करोड़ रुपये देना। शाहरुख भाई ने 5 करोड़ रुपये दिए, सुशांत सिंह राजपूत ने 2 करोड़ रुपये दिए, तो यू नीड अ बिग हार्ट, तो इट्स गुड थिंग टू डू।
रिजल्ट सपोर्ट की बात हो रही है, साथ देने की बात हो रही है, तो हमारे बीच 10 साल पहले एक कुछ इंसिडेंट्स हुआ था तनुश्री दत्ता के साथ, जो फिर से वो आगे मी टू कैंपेन के साथ आगे आ रही हैं, तो उसके बारे में क्या कुछ कहना आपका कि बॉलीवुड में उन्हें कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, या फिर क्या कुछ कहना चाहते हैं नाना पाटेकर के साथ जो कंट्रोवर्सी हुई है? यार मुझे लगता नहीं नाना जी ऐसा कोई काम करेंगे, और 10 साल तक आप कहाँ सो रही थी, मतलब सो भी ऐसे रही थी कि आप पता नहीं क्या हो गया है आपको, ना आप जिम जा रही थी, ना आप ठीक से खाना वाना खा रही थी, ना आप कई प्रोड्यूसर यहाँ पे आपको ढूंढ भी रहे थे, फिल्में साइन करके आप चली गई थी, और अब सडनली आप आई है और सीधा नाना पाटेकर पे आप एलिगेशन लगा रही हैं। बिग बॉस जाना होता तो आपको सलमान भाई ऐसे ही भेज देते यार, नाना जी को बिना बदनाम किए। नाना पाटेकर इज़ अ वेरी वेरी काइंड हार्टेड गाय एंड आई नो हिम पर्सनली ऑल्सो एंड ही कैन नेवर डू दैट, एंड मैं नहीं मानता ये सब चीज़ों में। लेकिन एजाज भाई, प्रियंका चोपड़ा ने भी सपोर्ट किया है, फरहान अख्तर ने भी सपोर्ट किया है, बहुत से ऐसे लोग हैं इंडस्ट्री के वो सपोर्ट कर रहे हैं तनुश्री दत्ता की स्टेटमेंट को, तो क्या आपको क्या लगता है ये सही है, या उनको और थोड़ा डिटेल के बाद कुछ ऐसे कुछ कमेंट? यार एक बात बताओ, हम कौन होते या मैं कौन होता, ये मेरा ओपिनियन था, मुझे नहीं लगता नाना पाटेकर ने ऐसा किया होगा। प्रियंका चोपड़ा और फरहान अख्तर का वो ओपिनियन है, अब ना मैं जज हूँ ना वो लोग जज है, और ना हम लॉ है, हमारे हाथ में ना लॉ है, तो हम लोग कोई होते भी नहीं है इसमें, हम सिर्फ बात कर सकते हैं, और मुझे ऐसा लगता है नाना पाटेकर ने ऐसा नहीं किया, बाकी मर्जी है आप लोगों की, और ये सब कानून के हाथ में होता है, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है। तो नाना पाटेकर के अलावा उन्होंने गणेश आचार्य जी पर भी एलिगेशन लगाए, राज ठाकरे के ऊपर भी एलिगेशन लगाए कि गुंडे भिजवा कर उनकी कार तोड़वा दी गई, तो आपको लगता है कि मतलब उनकी तरफ से भी ये कुछ हुआ होगा? यार मैं, मेरे को ये सब पता नहीं है कि हुआ कि नहीं हुआ है। अब क्या है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, बस वही बात है। तो इलाज, आपने बिग बॉस की बात की, तो बिग बॉस में भी एक हलचल सी मच गई है जब से अनुज जलोटा और जसलीन ने एंट्री की है, तो उसके बारे में क्या कुछ कहना है, कितना क्या कुछ कहना चाहते हैं उसके बारे में, क्या कुछ जहन में आता है? नहीं मतलब क्या कहूँगा यार मैं, एक आदमी है जो एक उसको ये यंग लड़की मिल गई है तो पूरा समाज उसके पीछे पड़ गया है, क्या वो अनूप जलोटा पहले है? मेरे भाइयों, समाज में लड़कियां जो पैसे वाले कई ऐसे हैं जिनके साथ घूमती है, यंग लड़कों का अभी ज़माना चला गया है, अभी लड़कियों को चाहिए नोट, बड़ी गाड़ी, लुई वुइटन, क्या बोलते हैं, गुची, बेटा ये सब तो तुम अनूप जलोटा बनोगे तभी ले पाओगे, तो उसके लिए तुम्हें इतना टाइम तो निकालना ही पड़ेगा, या फिर तुम विजय माल्या के बेटे हो, सरकार का पैसा तुम्हारे पास है तो फिर तुम ले सकते हो, तो इसके लिए लड़कियां भी अपना फ्यूचर देख रही है, अपना सिक्योरिटी देख रही है, अब तुम्हारे पास मानिक चंद के पैसे है नहीं तो कैसे जसलीन तुमसे पटेगी, तो दोनों खुश है, खुश रहने दो भाई, मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। बिग बॉस 12 में ऐसा कोई फेवरेट कंटेस्टेंट है आपका इस साल? भाई मैं अपनी वहाँ आत्मा छोड़ के आया हूँ, वही मेरी फेवरेट है और वही रहेगी। वो लोगों से कहती भी है अकेले में, भाई इंटरटेन करो इंटरटेन करो, ये लोग गॉसिप में और बीचिंग में रह गए, तो यार इंटरटेनमेंट के बिना कुछ हो नहीं पाएगा, पब्लिक बोर हो जाती है भाई। सो आजकल थग्स ऑफ हिंदुस्तान का ट्रेलर भी लॉन्च हुआ, तो कैसा लगा आपको ट्रेलर, क्या कुछ कुछ कहना चाहते हैं? एपिक ट्रेलर है यार, एपिक। आई वॉज वेटिंग फॉर दिस फिल्म, आमिर खान ऑलवेज कम आउट विथ समथिंग वेरी न्यू एंड ऑथेंटिक, मतलब इतना हार्डवर्क, मिस्टर अमिताभ बच्चन, आमिर खान, ग्रेट, ये दिस पीपल आर लेजेंड यार, यू कैन जस्ट, ऐसी फिल्में बहुत मुश्किल से बनती है, बहुत अच्छा लग रहा है, एंड आई विश ऑल द लक टू आमिर भाई एंड मिस्टर अमिताभ बच्चन। आपने बॉडी का भी ट्रांसफॉर्मेशन किया है, क्या ये कोई फिल्म के लिए है या फिर अगर उस बारे में कुछ बताया? हाँ ये कोई फिल्म नहीं, बहुत सारी फिल्मों के लिए, अभी मार्शल आर्ट और सिक्स पैक और ये सब, अभी यहाँ पर एक्शन फिल्में बन रही है, और लकीर का फ़कीर पार्ट टू, उसके लिए भी मेहनत चालू है, तो हमारा कम आउट एज एक्शन हीरो, वेरी स्ट्रांग, यू नो, लाइक विद अ वेरी गुड बॉडी, हेल्दी रहना भी बहुत ज़रूरी है, तो नो ड्रिंकिंग, नो स्मोकिंग,
नो लेट नाइट्स, जल्दी सो जाओ, जल्दी उठो, बॉडी बनाओ, अच्छा खाओ, बॉडी में अच्छी चीज़ें डालो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी। जी, लकीर के फ़कीर के डायरेक्टर थे ज़ुबैर खान जी, तो ये फिल्म के भी डायरेक्टर ज़ुबैर खान ही होंगे या फिर कोई और होगा? अब वही होंगे क्योंकि वो फ्रेंचाइजी है उनके पास, और वो भी काफ़ी चेंज हो चुके हैं, सुधर गए हैं। लाइफ में सब आदमी चेंज होता है, हर इंसान बदलता है, और उन्हें मौका देना चाहिए हमें। तुम भी बदले हो, हम भी बदले, हम कहीं ना कहीं हर रोज़ बदलते हैं, हमारी गलतियों से, हमारी मिस्टेक से हम सीखते हैं, और अगर तुम किसी और को मौका नहीं दोगे तो कोई तुम्हें भी मौका नहीं देगा। तो ऊपर वाला अल्लाह ताला भी ये चाहता है कि जितनी जल्दी तुम चाहते हो मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ, तुम दूसरों को माफ़ कर दो। तो मैं वही पॉलिसी पे चलता हूँ लाइफ में। सो लास्टली क्या कुछ कहना चाहते हैं अपने चाहने वालों को, अपने फैंस को, और जो बाहर आपके लिए दुआएं करते हैं उनके लिए? बस यही कहूँगा कि गवारा हर कमी हमें, न करना प्यार कम, सनम तुम्हारी चाहत के दीवाने हुए हम। लव यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू।